shit. हो गया हो गया मेरी माँ ने मेरे को बचपन में 9th स्टैंडर्ड में ना जब फेंक के मारा था, फिर मेरे को लगा कि मैं भी मारेगा भी बड़ा होगा। आपका कोई दोस्त है जो रिलायंस ब्रश में या कहीं पे चोरी करके पकड़ा गया होगा? है कोई मैं पकड़ा गया था। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, बहुत दिनों से मेरा ऐसा नजर था ये पेन पे कि मेरे को ऐसा पेन का बहुत शौकीन था, मतलब पता नहीं क्यों है, तो करने गया अपने को इधर चोरी करने का। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, देखता था रोज, देखता था जाके, और फिर क्लास जाते वक्त देखता था, फिर घर क्लास जाता दिखता था, फिर घर। उसके बाद एक दिन मैं आया और सोचा कि चलो उठाएंगे आज। मैंने उठाया, मस्त लेके निकल गया बाहर, कुछ सीन नहीं था। मेरे को याद है कि मैं बैग अपना काउंटर पर रखा, तो ठीक है, तो मैं लेके आया वहां पे, वहां पे मेरे को धर लिया। वहां पे वॉचमैन धरता है मेरे को और बोलता है कि भाई ये किस कहां से लाया तू? तो मैं बोला ये मेरे डैड ने गिफ्ट किया है। सबसे चूतिया रीजन था वो, मतलब ऐसा कौन जो बोलता है। तो वो अंदर गया और रैपर लेके आया, बोलते हैं ये तेरा बाप ने गिफ्ट किया है चूतिया, अभी आया तेरा बाप और यहाँ पे गिफ्ट करके गया। तो फिर मैं बोला नहीं नहीं, नहीं। मैंने क्या, मैंने एलियस यूज किया हूँ, मैं बोला मैं आकाश शर्ट हूँ, मेरा बाप गणेश शर्ट हूँ, और नंबर भी गलत दे दिया, एक ही डिजिट गलत दिया था, मतलब मासूम था ना बच्चा, 9 सही देता हूँ, 1 गलत देता हूँ। उसने कॉल किया मेरे सामने, मैं बोला गांड फट गई बेटा अभी, तो मतलब पीछे पुलिस खड़ा है। मैं बोला सॉरी अंकल, 1 नंबर गलत है, ले लो सही है। और फिर मैं घर चला गया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरे साथ ये शॉर्ट्स में पूरा हल्दी लगा के आता था, मतलब स्कूल। गाइस माय नेम इज सागर भी और आई एम ए इंजीनियर। अब आपको गेस करना है कि मैं कौन सा इंजीनियर रहूंगा, ठीक है, कौन सा स्ट्रीम होगा मैं। पुण्यात हर एक रस्त्यावर चालला कुत्रा आणि रस्त्यावर फिरणारा शेमटा एक वस्तू सामान्य आहे। कोणालाही त्या दोघांनाही विचारलं की बाबा काय करतोस, तर बोलतात मी यूपीएससी करतो। तर मग यही पॅशन लेके इंजिनिअरिंग करके हम लोग आ गए यहाँ पे। लास्ट इयर यूपीएससी करने का सोच लिया, मतलब जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, कुछ भी नहीं, 60-70 का गेम खेला पूरा जिंदगी, और अभी आड़े ये भाई तो चांद पे जा गया। ओके गाइस, तो मेरा नाम सागर वीर है और मेरे को मतलब ऐसा हॉबी है कि ऐसा अग्री नहीं करने का लोगों के साथ, कुछ भी बोला ना तो उल्टा बोलने, मतलब बचपन से याद है, कुछ भी बोलो तो नहीं, ये नहीं, मतलब मैं अग्री करता हूँ फिर भी नहीं बोलेगा, बोले नहीं 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 जम रहा है अपने को। तो आप में से किसको मैस्टरबेट करना अच्छा लगता है? अंकल आप मतलब नहीं, एज खत्म हो, मतलब मेरे को लगा कि फक नहीं कर सकते, शायद हिला तो सकता हूँ घर में तक, नहीं मतलब जिस तरह मेरे को पता चला है कि मेरा सर था एक, तो वो क्या करता था, आता था मेरे घर पे पॉर्न देखता था, मतलब गाइस तो आपको पता नहीं, मतलब कितनों को पता है मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक नया सेट लिखा है, मतलब वो अभी इतना काम होता ही नहीं, ऐसा हॉट एयर बलून पे लिखा। आपने कभी हॉट एयर बलून में ट्रैवल किया? अभी मराठी लोग तो पढ़ता है तो कभी करेंगे नहीं। तो क्या है कि अब अगर मैं बहुत रिसर्च किया इस पे कि हॉट एयर बलून बनाया क्यों, तो देखने में पता चला कि अभी हम लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं, हम लोग क्या क्या चीज से ट्रैवल करते हैं, तो अपना एक क्या रहता है कि मेन एम की पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। लेकिन जब हॉट एयर बलून उड़ा तो उसका कोई था ही नहीं, मतलब लाइक वो कहीं भी उड़ता है और वो कहीं भी जाके लैंड हो जाता है, तो क्यों बना है उसका कुछ आता पता नहीं। चलो दूसरा देखता हूँ, दूसरा फ्रेमलेस बता रहा हूँ। अभी मेरे जो भाई है, मेरे को दो भाई है, वो दोनों ट्विन्स है, मतलब मेरे को छोड़ गया। तो वो लोग कर्नाटक गए थे, मेरी मासी बाहर रहती है,
तो वहां पे गए तो सर वहां पे मास्क वगैरह मतलब मेरे भाई मुंबई में तो वो अभी अपने को कैसा अपने वर्टिकल से ही मास्क पहन के नहीं हो पा तो ऐसे मास्क तो वहां भी वो पहन ही गए तो कर्नाटक में से गांव फिल्टर करके कहा था तो वहां पे मतलब गए और मेरे काका के बच्चे आके बोलते अरे तुम मास्क क्यों पहने वो बच्चा उसको बोलते हैं तू मास्क निकाल लोग सोचेंगे तेरे को करोना हुआ इसीलिए तू पहन जैसे मतलब मैं जब भी स्टैंड अप करने जाता था मैं पुणे में ही करता था स्टैंड अप तो मोस्टली मैं जोक्स टिकटॉक सेक्स मैस्टर्बेशन ये सब पे रहता था तो अभी लास्ट के दो टॉपिक तो छोड़ देते हैं तो टिकटॉक जो था मैं उस पर बहुत जोक करता था एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना चाहिए बिकॉज करंट वाले को प्रॉब्लम होता और जैसे कि मतलब ऐसे लोगों को लग सकता है कि मतलब मेरे एक्स गर्लफ्रेंड को लगता था कि मैं बहुत इनसेंसिटिव हूं लेकिन मैं तो मैं मानता हूं I'm revolutionary, I'm very necessary. You couldn't bust a cherry, fuck your commentary. I'm so legendary, born again rhymer. Youngsters act scary when they round the old timer. Like yes sir, no sir, truly it's an honor. Farmer up drama, harvesting karma. Kamikaze dot bomber, on suicide mission. My mental condition about to come to fruition.